जिन लोगों का पीरियड रेगुलर नहीं रहता है उन लोगों में समस्या ये होती है कि कैसे वो पता करें कि ओवुलेशन का डे कौन सा है, बिकॉज ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो बहुत सिंपल है, हम बहुत साधारण तरीके से इसको समझेंगे आज, कि अगर किसी भी महिला का पीरियड रेगुलर नहीं रहता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पिछले 3-4 महीने कितने दिनों का चक्र रहा है। कभी कभी ये महीना 28 दिन का भी हो सकता है, कभी 30 दिन का भी हो सकता है, कभी 35 का भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको तीनों या चारों महीनों का एक मीन निकाल लेना है। मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया उस हिसाब से आपका 31 दिन का हम महीना मान लेते हैं, कोई भी एक फिक्स नहीं मानते, 31 दिन का मान लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में जो पीरियड चल रहा है उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि ये चक्र अब हमारा 31 दिन का होगा। तो जो भी दिन 31 का आने वाला है आगे, जब नया पीरियड शुरू होगा, तो उससे 14 दिन पहले जो दिन आएगा वो आपका ओवुलेशन डे होगा। यानी उस दिन गर्भाशय का मुंह खुलेगा और उस दिन अगर संपर्क करते हैं तो प्रेगनेंसी के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब पीरियड रेगुलर नहीं है तो वो दिन भी आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए जो आप दिन जोड़ेंगे उससे 5-6 दिन पहले इधर कर लें और 5-6 दिन आप इधर भी संपर्क बना लें, तो उससे आपको परफेक्ट डेज मिलेंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो ये तरीका है, यानी बहुत सिंपल शब्दों में जो पीरियड आने वाला होता है, जो नई आगे डेट आने वाली होती है, उससे 14 दिन पहले का जो दिन होता है वो आपके ओवुलेशन का दिन होता है। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगी और समस्या नहीं होगी, और उसके बाद कोई समस्या है तो फिर डॉक्टर से अच्छे से मिलना है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सेफ और अनसेफ डे की वीडियो जरूर देखें, उसमें आपके सारे क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएंगे। तो वेल, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू।